Hi guys, good morning. Welcome back to my new vlog. और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट. आज भी बहुत बारिश हो रहा है, इस बहुत दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, तो इसीलिए मार्केट भी जाना मुश्किल हो रहा है. फिर भी मैं आज जाऊँगी और अभी मैं जाऊँगी मेरी फ्रेंड के घर, क्योंकि वो भी मेरे साथ जाने वाली है, तो मैं उसे बुलाने जाऊँगी. तो कीप ऑन वॉचिंग गाइस. आज का मौसम ऐसा है और हम लोग अगर उधर नीचे में है, पोगी पोगी. सो गाइस, आई अभी हम लोग ये इन दोनों आ गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट. अभी हाईवे पे बहुत बारिश गिर रही है, मीनो चाचा का वीडियो भी नहीं बना पा रहे, सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस. और आज मेरी फ्रेंड मुझे कुछ खिलाने व बना के खिलाने वाली है, कुछ बहुत स्पेशल डिश. उसकी हाथों से बहुत बढ़िया बनता है वो डिश, सो बने रहिए ब्लॉग पे उसे देखने के लिए. ये दोनों का रील बना ले. अब ये मेमे का तरह का टाइम है. गाइस, वी आर डन विद आवर रील्स. हमने रील्स भी बना लिया और बहुत ही बारिश भी गिर रहा है, और दो दोनों फोटो लेने वाले हैं अभी, सो दे आर टेकिंग फोटोज. हम लोग साथ में जाने से तो कुछ शो फोटो वोटो लेना ही है, वरना दिन नहीं बनते है. पीछे में फोटो सेशन चल रहा है. दिस इज फोटोग्राफर. So guys, we are here in the market. हम लोग मार्केट पहुँच गए, तो अभी मेरी फ्रेंड को वो करना है, कपड़ा ऑल्टर करना है, तो वी आर गोइंग टू द टेलर. अब लोगों को मैं दिखा दूँगी कौन सा टेलर में जाएंगे हम लोग. वो जो है सबसे अच्छा, मतलब कि लेडीज़ का कपड़ा सबसे अच्छा सीता है. सो वी आर न्यू हियर. आप लोग अगर उसके टेलर पे जा सकते हैं, सो आई शो यू द डायरेक्शन. ये रहा पूरा बारिश. अगर मोम पोया ही पोया ही, तो आपको जाना है उस तरफ मेडिकल साइट में. मेडिकल साइट में जाना है, इस तरफ है उसका दुकान. अगर आप यहाँ सीधा जाते हो तो आपको मिलेगा जनरल हॉस्पिटल, और ये साइड पे है जनरल ग्राउंड. सुंदर हो गया, थोड़ा कलर वलर करके इनोवेशन किया है, सुंदर हो गया. वहाँ पे है इसका दुकान. ये है वो कलर चीज़ या वहाँ पे है सुंदर. ये है विजय भैया और ये बहुत अच्छा कपड़ा सीते हैं. और अगर आप लोग इंकॉक में नए हैं और कपड़ा सीने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आपका इसका दुकान में आ सकते हैं. ये बहुत पॉपुलर है. बस विजय भैया, विजय बोलने से आदमी सब लोग बता देगा आप लोगों को डायरेक्शन ना भैया. सो ये देखिए इसका कपड़ा, इतना सारा कपड़ा सिलाने के लिए इसका. ये एकदम लड़की कपड़ा में, लड़की कपड़ा एकदम सबसे बेस्ट सीते हैं. गाइस, वी आर बैक होम. हम लोग घर आ गया बारिश में भीग भीग के. सो मेरे फ्रेंड अभी सब्जी पकाने वाले हैं, ओइक विथ फॉर्क. जो लास्ट टाइम मैंने ओइक पकाया था उसका दूसरा वर्जन, ये इसका टेस्टी वर्जन है. उस दिन वाला सिंपल वर्जन था, ये बहुत टेस्टी बना था ये ओइक को. इसमें ये प्रो है, सो कुक एंड आज हम आप लोग को, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाता है. सो फिर गाइस ये तैयारी कर रहा है पकाने. अभी पानी डाल दिया बर्तन में. सो पहले फोर्क को पकाएगा, क्योंकि पोर्क प्री कुक नहीं है, कच्चा है, सो उसे पहले पकाएगा. गाइस ये अभी इसको कट रहा है, इसका थोड़ा छोटा छोटा करके कटेगा इसके बाद. शायद हड्डी गए कटने से, वहाँ पे बर्तन बिठाया है. उसके बाद इसको डाल कट के डालेगा, पहले पकने देगा. गाइस ये देखिए इतना टेस्टी देख रहे हैं. ओह माय गॉड, ये फोर्क में तो वाओ, बहुत मजा होगा.
सो इसका थोड़ा अभी काट रही है छोटा छोटा करके, उसके बाद डालेगा वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे नपो भी देख रहे साथ में। भाई अभी ये इसको डाल रहे है, पहले इसको थोड़ा पकने देगा क्योंकि ये अच्छे से प्री कुक है, इतना अच्छे से नहीं पका, इसलिए इसको पहले थोड़ा पकने देगा आगे। और वहाँ पे नपो तक ही निकल के भेज, तुम निकल के भेज, हम भी साथ में यहाँ पे तुक निकल रहे हैं क्योंकि मीट बहुत टेस्टी देख रहे हैं। सो गाइस ये है इंग्रेडिएंट्स, ये एक टमेटो, उसके बाद ये ड्राई बेम्बू शूट, और ये है धनिया, और ये मैश आलू, मैश आलू बोलते ग्रेटेड पोटेटो है, पर ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इससे स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हैं। सो इसको अभी डालेगा, जो सिंपल वाला होता है ओइक ओइक एंड आलू, आलू ग्रेटेड आई मीन पोटेटो ग्रेटेड, तो अलग से ऐसे बना सकते। सो इसको अभी भी पकने देंगे, थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे इसे। एंड गाइस ये रहा ओइक, और ये मारसंग भी है, we call it मारसंग इन आदि, एंड इस ये इसका फ्लेवर को एनहेंस करता है, अगर स्टीम नहीं डालने से इसका असली मजा नहीं आएगा, इसे डालने से और मजा। सो पहले इसे थोड़ा इसे स्क्वीज कर देना है, इसके बाद डालना है ऐसे करके ताकि जल्दी पक जाए ऐसे करके। तो इसे थोड़ा मिला देगा, इसके बाद लेट इट कुक फॉर, जब तक ये नहीं पकता इसे थोड़ा पकने देने पकने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स का बाद में डालेंगे। गाइस ये एक किंग चिल्ली भी डाला है आधा, अपना टॉलरेंस लेवल का हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं चिल्ली, अगर स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चिल्ली स्पाइसी पसंद नहीं होगा आप स्किप कर सकते हैं। अभी टमेटो का डालेगा, उसके बाद इसको भी थोड़ा पकने देगा, 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देगा टमेटो को, उसके बाद ये ड्राई बैम्बू शूट, और ये अभी ये पक गया है तो अभी इसको डालेगा, ये लास्ट में इसको डालना है, वो ड्राई बैम्बू शूट और कोरिएंडर जो कॉलेंटर के कितना है। ये हो गया, पक गया है, अभी इसको बंद करके रखते हैं, छोड़ेगा सिंपल एंड वेरी यम्मी, बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी घर में ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये खाना निकाल लिया है मैंने, खुद का खाना निकाल लिया, अभी निकलती हूँ सब्जी। गाइस ये देखिए इतना टेस्टी, बहुत यमी है, बहुत सिंपल एंड यमी है, आप लोग भी सब घर में ट्राई कर सकते हैं। सो मैं अपने वाला निकलती हूँ, ये लोग खुद का वाला निकलेगा, हम अलोंग को निकलेगा। यस आई लव इट। सो तो खाना खा ले, मेरा अंडा भी आ गया। सो गाइस खाना खा लेते हैं यम्मी वाला, इसके बाद मिलते हैं। गाइस ये रहा मेरा खाना, ये रहा ही पोर्क विद ऑयल, एंड ये है अंडा, और ये है किंग चिली। सो पहले मैं से खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस ओ कैमरा कैसे को कैमरा को होल्ड करूँ, बहुत यम्मी है। तो बस मैं खाना एंजॉय कर लेती हूँ, वीडियो बनाकर मैं खराब करना नहीं चाहते, मीट बहुत टेस्टी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय। गाइस मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया, एक्चुअल में इसमें चेरी टमेटो होता है,
उसको डालने से ज़्यादा टेस्टी होता है, पर हम लोग का पसंद नहीं था इसीलिए हमें जो खरीदने वाला था मेरे को वो डालना पड़ा। खाना थोड़ा खाएगा सोचा था, पर सब्जी बहुत टेस्टी है इसलिए और भी खाया।